आज का मेरा ब्रेकफास्ट। ये सनी लाया है, आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड। ये है, अभी उसे पूछेंगे। इसके अंदर कुछ इस तरह से ये सारी सब्जियां भरी हुई है। और फ्रेंड्स, नीचे ये सारी चीजें इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि हमेशा की तरह सनी को बेड में प्रॉब्लम होती है, तो हमें नीचे बिछा के सोना पड़ा। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सबके जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अलहमदिल्ला हम सब एकदम ठीक है। और अलहमदिल्ला माशाल्लाह आज हम लोग निकल रहे हैं मक्का शरीफ के लिए, और आज ही हम लोग उमरा करेंगे, इसलिए सनी ने यहाँ से ही एहराम पहन लिया है। जाएंगे नमाज नफिल पढ़ेंगे, उम्रे की नियत करिए और उसके बाद फिर चलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। आगे पापा जा रहे हैं एहराम पहने हुए, अम्मा जा रही है। मदीना से निकलने से पहले बस एक बार दिल किया कि एक बार जाके अल्लाह हाफिज कह के आऊं। फ्रेंड्स, हमने आखिरी बार हाजिरी दे दी और अभी चलते हैं मक्का की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं मदीना के मीकात पे। यहाँ से दो रकात नफिल नमाज पढ़ के उम्रे की नियत करके निकलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है, वेमेंस के लिए भी मस्जिद में एरिया बना रहता है, वजू करने का बना रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे एक प्यारी सी कैट भी दिखी थी हमें। मदीना शरीफ के मीकात से हमने नमाज पढ़ ली है दो रकात नफिल उमरा की नियत से। ये हमारी टैक्सी। तो अभी हमें 450 किलोमीटर सफर तय करना है अप्रोक्सीमेटली, जो कि मदीना से मक्का के लिए होगा। रास्ते में चाय ब्रेक और जूस ब्रेक के लिए रुके और वहाँ पे मुझे एग्स देखे और हर एक एग में स्टैंप लगा हुआ है, सील लगा हुआ है। कितना ध्यान से करना पड़ता होगा वरना अंडे ही फूट जाए। अच्छे ना चाय। रुके थे क्योंकि जोहर का टाइम हो गया था ना। यह मस्जिद आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी हम एकदम करीब आ चुके हैं हरम शरीफ के। तो सबसे पहले हम अपने होटल चलेंगे। हमने होटल जो लिया है वो क्लॉक टावर के अंदर ही लिया है। तो जैसे ही आप वहाँ से उतरेंगे तो हरम शरीफ का जो जगह है ना वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले चलिए आप हमारे साथ हमारे होटल में। तो रिसेप्शन पे बैठ के हमने सारी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी कर दी है। उन्होंने हमारी रूम की चाबियां दे दी हैं। अभी हम चलेंगे अपनी रूम की तरफ। हमें जो रूम्स मिले थे वो थे 18th फ्लोर पे। तो ये था अम्मा पापा का रूम। फ्रेंड्स, अलहमदुल्ला हम अपने होटल पहुंच गए। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भी देखते जाते हैं, आपको भी दिखाते जाते हैं। अच्छा, ये वही कवर्ड टाइप है। यहाँ पे भी ये आयन टेबल है, ये आयन दिया हुआ है। ये क्या, ये सिर्फ मिरर है। यहाँ पे स्विचेस हैं, की होल्डर, वो सारी चीजें हैं। हाँ, ये सबसे हमें इसलिए होता है ये बैठने के लिए। नहीं, ये मत बैठो, टूट ना जाए। किस लिए होता है? आप बताओ, आपको पता होगा। फ्रेंड्स बताओ आप, ये किस लिए होता है? जो भी होता है, खैर ये है हमारा सबसे अच्छा वाला कॉर्नर जो होता है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें चाय कॉफी मैं तो कर लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए कैटल, ये सारी चीजें हैं। नीचे क्या है? फ्रिज है। फ्रिज तो खोल के दिखाओ, वो भी लॉक्ड है, रहने दो। ये हमारे यूज का नहीं है। यहाँ पे सारे ड्रॉर्स है। ये है वॉशरूम, वॉश बेसिन वाला एरिया है। यहाँ पे ग्लासेस दिए हुए हैं और ये सारे ग्लासेस क्यों दिए हुए हैं यहाँ पे? वो मुझे भी एक बार था, मैंने एक बार बहुत पहले फ्रेंड से पूछा था, तो शायद किसी को गागल करना है, पानी पीना, उस लिए है। पिछले वाले होटल में तो मैंने इससे नहाया है, तो पिछले वाले होटल में मुझसे शायद नहीं चालू हो रहा था, सही नहीं था, तो मैंने ये लिया, नल के नीचे लगा लगा के नहा लिया। और यहाँ पे ड्रायर भी दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई है। यहाँ पे बॉडी लोशन होता है, शैम्पू होता है, कंडीशनर होता है, और क्या होता है, चार्जर होता है, सोप होता है, और ब्रश की सारी चीजें। हाँ, ये बच्चों के लिए होगा, ये नहाने के लिए। यहाँ से आते हैं तो ये है रूम। एक बेड ये हो गया, एक बेड ये हो गया। क्यों दो दिए हैं? कोई चार लोगों की फैमिली भी ले सकती है। हाँ, तो इसके लिए है, अगर भाई बहन बच्चे और सारे हों। और यहाँ पे ये टीवी के लिए, यहाँ पे एक सोफा दिया हुआ है, टेबल दी हुई है। और ये रहा यहाँ का मिरर। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। और हमारा सामान भी आ गया। तो अलहमदुल्ला अभी रेडी हो गए हम सब। सब अभी रेडी हो गए। चप्पल देखो, चप्पल 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 ये कभी जल्दी चला करो बेबी। आज मैं बिल्कुल जल्दी हुई हूँ, जल्दी है माशाल्लाह। अलहमदुल्ला आप सबकी दुआओं की वजह से वो वक्त आ गया है जिसका हमें बहुत ज्यादा इंतजार था,
जब से शादी के पहले से हमने सोच के रखा था कि हम सबसे पहले कहीं जाएंगे तो उमरा पे जाएंगे, बाकी बातें बाद में करते हैं फ्रेंड्स। बस ये पहले उमरा करके आते हैं क्योंकि अभी इंतजार नहीं हो रहा है। खाली आराम वालों को एंट्री है ना, बिना आराम वालों को कोई एंट्री नहीं है यहाँ पे। बिस्मिल्लाह करते हैं, उमरा करते हैं, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, थोड़ा मुकम्मल करके आपसे मिलेंगे ना। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वकीना अजाब अल्नार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तवाफ कंप्लीट होने के साथ असर का टाइम हो गया था तो हमें काबे के पास जमात के साथ नमाज अदा करने का मौका मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तवाफ करने के बाद जमजम भी पी लिया है हमने। तवाफ के बाद अब हम जा रहे हैं सफा और मरवा की तरफ, पहले हमें काबे की तरफ देख के दुआ करनी है। तो ये है सफा का पहाड़, मैंने सोचा दिखा देती हूँ जो लोग अब तक नहीं आ पाए हैं तो उनके लिए, लेकिन आप लोग दिल नहीं छोटा करिए, अल्लाह आपको जल्दी बुलाएगा। अभी हम है सफा की तरफ, अब हमें मरवा की तरफ जाना है, फिर यहाँ आना है, ऐसे करके हमें 7 राउंड्स लेने हैं जो की 3.15 किलोमीटर के आसपास होता है। लेकिन अल्लाह उस वक्त अलग सी हिम्मत देते हैं, ताकत देते हैं कि सारे लोग किसी भी एज के ये करते जाते हैं। ये रही फ्रेंड्स मरवा की पहाड़ी, यहाँ के भी दुआ करते हैं सब। और अगर किसी को चलने में परेशानी है तो वहाँ पे व्हीलचेयर भी अवेलेबल है। उमरा हमारा हो चुका है, अभी हम इस तरफ निकले हैं और सामने अगर आपको जो घर दिख रहा है ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का घर है, वो यहाँ पे पैदा हुए थे। और यहाँ पे साइड में जमजम के लिए जगह बनी है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जमजम मिलता है, जो चाहे जितना ले सके। हम सबका उमरा जो है मुकम्मल हो चुका है आप सबकी दुआओं से, अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे पास में कोई खाने की जगह देखने के लिए, और सनी को, पापा को, सबको अपने जो हेड है वो शेव भी कराना था तो वो वहीं पे जाके कराएंगे। लंच हम लोगों ने किया नहीं था, सोचा था पहले उमरा कर लेंगे उसके बाद सब चीजें, तो अभी हमने खाने में ये सारी चीजें ले ली हैं। उसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था तो हमने मगरिब की नमाज पढ़ी और अभी हम आ गए हैं ये बार्बर की शॉप पे। आ तो सही, तुम इस तरफ देखो, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। क्या भैया? This is for you. Oh wow! आपने ऑर्डर किया? अरे तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम्हारे लिए है बस ये चीज, मैंने किया, किसने किया, कैसे आया, doesn't matter. तो ये सब क्या है मतलब? ये सब तुम्हारे लिए, अभी तुम उमरा करके आई हो, थक गए हो, तुम्हारे लिए सब चीजें जरूरत है। आपने क्या क्या बोला था हमसे? कुछ मैंने कुछ नहीं बोला था, वो सब कुछ आ गया है। सोच ही रही थी कि ऐसा मतलब अभी गावा मंगाऊंगी पीऊंगी, क्योंकि हमने चाय नहीं पीती ना वहाँ पे, ये गावा ही है ना। हाँ, अरे अभी गावा है। और ये खजूर, स्वीट्स, हाँ, फ्रूट्स एनी आल्सो स्वीट्स वाटर, और पूरा इस फैशन सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से तोहफा। किस दिन आप बता तो दो, तुम्हें सरप्राइज मिल गया? हाँ बस, हाँ फ्री है, होटल वालों ने दिया मुझे सरप्राइज, आपने जिस तरीके से दिया है ना मुझे उसमें खुशी मिली है। तक लो काबे का व्यू है, माशाल्लाह। बैठ के ही सोच रही थी कि यकीन नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अच्छे से उमरा हो और गया। और तुमको सोचो कि तुम्हें नमाज पढ़ने का मौका मिला, तुम्हें मकाम इब्राहिम भी चूमा, काबा शरीफ भी चूमा, बहुत लकी हो तुम। बहुत डर लग रहा था, भीड़ बहुत थी, अदर कंट्री के लोग होते हैं, हो सकता है उनकी अपनी भाषा में वो लोग कुछ और कह रहे हो, लेकिन हमें डर लगता है कि क्या बोल रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ने सब कुछ करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबको ये दिन नसीब फरमाए, मैं बस यही दुआ कर रही हूँ अल्लाह सबको ये दिन दे। लो फिर इसी बात में ये कोई वो थोड़ा चल रहा है, खा लो एक बार पूरा। होटल रूम में भी आवाज आ रही है अजान की, जो
फ्रेंड्स हम लोग अभी होटल के नीचे जा रहे हैं और नीचे जाके कहाँ जाएंगे अभी समझ नहीं आ रहा है। यहाँ का जो नीचे वाला एरिया है ना वो हरम का ही पूरा एरिया, क्योंकि हमारा होटल क्लॉक टावर में है ना, जैसे हम नीचे उतरेंगे ना तो बस पूरा हरम के लिए लग जाएगा वो, तो वहाँ पे हम जाकर कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। मदीना का था ना वहाँ पे थोड़ा इजी था तो वहाँ से अलग समझ में आता था, यहाँ इतनी बड़ी जगह है कहाँ से निकल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कुछ एक बार में समझ में नहीं आएगा ना। एक बार हम ये लेके चलेंगे ना। माशाल्लाह ये हरम के आसपास का रात का व्यू है, ये भी बहुत ही सुकून वाला और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। इशा की नमाज हो चुकी है, अभी हम आ गए हैं कैफे। अभी सुबह जा रही है, लाते लाते हैं स्पेनिश लाते। ऑर्डर दिया है और ये कैफे कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे 2 घंटे बैठे रहो। नहीं अभी और भी काम है, जाके पढ़ना भी है। तबरकल्लाह, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब नाउ, थैंक यू फ्रॉम हियर फ्रॉम इंडिया इंडिया माशाल्लाह तबरकल्लाह, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर सऊदी अरेबिया, सो एनी टाइम आई फ्रेंड। यही तो मांग रही थी बहुत देर, बढ़ा लिया इंडिया के बाहर वाला। मामू कैसे लग रही है? जबरदस्त अच्छी है। चलो स्टार्ट हो गया। तो पनीर सरी ने मसाज करा लिया, उसे बहुत ज्यादा तमन्ना थी और वो बेचारा थक भी बहुत गया है, सुबह से लगा रहता है इधर जाना ब्रेकफास्ट लेके आना, अम्मा का ख्याल रखना, फिर मेरे काम करना, बहुत सारी चीजें, तो उसको मसाज की जरूरत भी थी, तो उसे चेयर दिख गई है तो भी अपना आराम कर रहा है। साइड में यहाँ पे गोल्ड की शॉप भी है फ्रेंड्स। समोसा चल। एक और बात पे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के लिए क्योंकि जो शबे बरात है वो हमें यहाँ मक्का में पड़ी, तो हम काबे के सामने रह के दुआएं कर पाए, नमाजें पढ़ पाए, इबादत कर पाए, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह कबूल करे। और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग इस वक्त पे उमरा कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको बुलाए। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ना थक गए, बॉडी में एनर्जी है हाँ। लेकिन पैरों में बिल्कुल नहीं है, बहुत दर्द कर रहे हैं पंजे। चलो आराम करो, कोई सहारा मिल जाए बस। लोग जाओ लोग रूम में कर लिया, बहुत अच्छे ठंड लग रहा है यहाँ। देखो सहारा मिल गया तुम्हें, माशाल्लाह आ गए अपने रूम। शबे बारात थी तो रात भर जाके इबादत करनी थी, दुआएं करनी थी, नफिलें पढ़नी थी, तो हमने सब कुछ करा, सबके लिए दुआएं की हैं। सहरी का वक्त हो गया है तो ज्यादा भूख नहीं थी तो फिर सिर्फ बनाना खा लिया था हमने। ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। क्या आया? जमजम आया है। अरे वाह, सो स्वीट, सबसे प्यारा तोहफा। जमी भाई ये लखनऊ से हैं। जमी भाई यहाँ पे जॉब करते हैं। अभी असर की नमाज का जो है वो टाइम हुआ जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग अफ्तार के लिए कुछ सामान लेंगे क्योंकि अफ्तार भी करना है, मगरिब में भी इंशाल्लाह वहीं चलेंगे, फिर ईशा में चलेंगे, उसके बाद फिर ईशा के बाद खाना खाने चलेंगे। ऊपर से बता दिया, अभी सारा प्लान बता दो, मतलब अभी इतना लंबा बता, अभी चल रहे हैं अभी नीचे नमाज पढ़ने चलते हैं। ठीक है, नमाज के बाद हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए, यहाँ पे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, कहीं भी नमाज पढ़ लो, अलग ही बात है यहाँ की। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लिप्स इतने ज़्यादा फट रहे हैं, तो हम यहाँ के सऊदी के बॉडी शॉप आए थे और यहाँ पे अलग ही तरह के लिप बाम मिलते हैं, ऐसे इंडिया वाले में नहीं थे। बहुत ही प्यारा सा स्टोर है और साथ में मुझे बाई 2 गेट 1 का ऑफर भी मिल गया। इसमें ऑफर नहीं है, हमने सोचा जहाँ पे ऑफर मिलेगा, जहाँ सेल होगी वहीं से कुछ लेंगे, यहाँ 50% ऑफ मिल रहा था परफ्यूम्स में। वो वाला फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन फिर से बहुत ज्यादा महंगा था, मतलब 245 रियाल इंडिया के कितने बने, 5-6 हज़ार के आसपास। चलो यहाँ पे देखते हैं। परफ्यूम पसंद है, बॉटल पसंद है? बॉटल तबड़ा डब्बा। भैया
इनका मेकअप यहाँ का बहुत महंगा होगा तो पूछने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तब लेंगे, ठीक है, या दुबई से लेंगे इंशाल्लाह। या हाजी हाजी वेंडो वेंडो अकेले अलियो में तो सोम रोजा। हाँ केफ माँ बाबा केफ केफ मुझे नहीं पता कैसे हैं। हाँ कलाम कलाम गुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सबा को अफ्तार करना है, हमें आज सबको अफ्तार करना है तो कुछ लेके आते हैं। ये वाला KFC खाली मिल गया, बहुत अच्छा हुआ है। तो अभी हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है तो हम यहीं से बर्गर ले लेते हैं, आज बर्गर खाने का मन था। यहाँ पे ना हर जगह जगह जूसेस की फ्रूट्स की शॉप होती है तो हमने यहाँ से जूसेस ले लिए हैं और इफ्तार के लिए हो गया इफ्तार के लिए सारी चीजें ले ली। अभी हमारे पास 20 मिनट्स बचते हैं, हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है वरना हरम का जो दरवाजा है ना वहाँ से बंद हो जाता है, निकलने नहीं देते, भागना है हमको। फाइनली हमने जो बाउंड्री है वो पार कर ली, हम अंदर आ चुके हैं, वो पीछे बाउंड्री थी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, एक बार में सारी इतनी सारी जो तमन्ना ना वो पूरी हो गई। यहाँ पे बड़ी रात भी मिल गई, यहाँ का रोज़ा भी मिल गया, यहाँ का इफ्तार भी हो रहा है। इफ्तार का टाइम हो गया है, बस बैठिए सबा और ये खाने का। मम्मी पापा आ रहे हैं, उनको कलीम लेकर दूसरी साइड से इफ्तार हो गया है फ्रेंड, मगरिब की नमाज हो गई है, ऊपर आ गए हैं, अभी सामान पैक कर रहे हैं क्योंकि हम निकल रहे हैं ताइफ के लिए, वहां से हम निकलेंगे रियाद के लिए, फिर वहां से जाएंगे दमाम बाजी के यहाँ। तो काफी लंबा सफर है लेकिन हम लोग बाय रोड जा रहे हैं। सनी ने सोचा है कि इतने दिनों में जितनी कंट्रीज सॉरी जितनी सिटीज होती की कंट्रीज सिटीज दिखा सकता हूँ शादी की, वो सब दिखा दूँ, तो वो अभी हमें लेके जा रहे का टाइम, क्योंकि हर जगह दोस्त है, हर जगह लोग बुला रहे मिलने वाले हैं, तो हमने कहा ये बात भी सही है और हमें जाना तो दमाम की तरफ है तो रास्ते में जो जो मिलेगा हम हर जगह होते हुए जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज हमने जो परफ्यूम खरीदा है ना, अब इतनी सारी जगह तो नहीं है कि डब्बा भी लेके जाए, दुखी दिल से पत्थर रख के डब्बा हमें हटाना पड़ेगा जो कि कितना अच्छा था ना। मैं अपने बैग में डाल दूंगा। नहीं 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 क्या मैं दो सच्ची बात है कि यहाँ पे ये मिले, उन्होंने काफी अच्छे से हमारी खातिरदारी की और सबसे अच्छी बात है कि कानपुर से है। भाई मिलकर अच्छा लगा, हर चीज बहुत अच्छे तरीके से कर दी और इंशाल्लाह कभी दोबारा आएंगे तो बस भाई को एक बार कॉल करना है, बस आ जाना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। इंटर होते साथ ही अरे सब आप प्यारे, जैसे हमें बरसों से जानते हैं, इतने प्यार से मिले, सारी चीजें फॉर्मेलिटीज अच्छे से करा दी। खालिद भाई तो अपना कानपुर वाला खून है, बस अलग से दिल्ली वाला मतलब होता नहीं कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन एक वो वाला है, और अब तो सब आप पी भी है, बस अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे इसी तरह, आप इसी तरह आइए हमेशा, बस ये याद रखिएगा कि आपका भाई यहाँ पे एक दुआ करनी है कि आपको हम अल्लाह हमें बार बार यहाँ पे बुलाए इंशाल्लाह। बाकी नंबर है इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, अल्लाह कामयाब करे। बस यहाँ से निकलने का वक्त आ गया, बहुत कम दिन हो पाए लेकिन जैसा है कि बहुत सारी चीजें थी, पहली बार आए थे तो हम लोग को भी अंदाजा नहीं था कि हम लोग किस तरह मैनेज करेंगे। आपको पता है हम कोई भी टूर एंड ट्रेवल्स की तरफ से नहीं आए थे तो हम लोग को जैसा खुद का प्लान बना वो हमने बना लिया, फिर चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो सब अच्छे से हो गया, बस बहुत अच्छे से हो गया। हम निकलते हैं तैश के लिए। आसान हो गई नमाज पढ़ के निकलते हैं। हमारा सफर आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एंड होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं लेकिन बहुत अजीब लग रहा है जाने में, बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमें फिर से दोबारा यहीं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम आए, और आप सबके लिए भी यही दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इतनी मुबारक जगह दिखाए, दुनिया की सबसे अच्छी जगह, सुकून वाली जगह, सुकून वाली जगह मक्का और मदीना। और जो लोग नहीं आ पाए ना तो आप लोग दिल नहीं छोटा करना, हम लोग दुआ करेंगे अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता बनाएगा, जरिया बनाएगा और सबको बुलाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह ये भाई आए मिलने हमसे, कहां से भाई? इंडिया से लखनऊ से बात कर रहे थे भाई से, तो कह रहे नहीं तुमको जाना है कैसे भी जाना, अगर ये कुछ भी नहीं है कुछ नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बस ये प्यारी यादों के साथ हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा उम्रा जो है हो चुका है। सनी के फ्रेंड्स का, स्पेशली मेराज और कलीम का थैंक यू कि आपने उम्रा करने में हमारी बहुत मदद करी है। अल्लाह आप सबको खुश रखे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा, हमने भी आप सबके लिए दुआएं की है। अल्लाह हाफिज़।